हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम 30 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ₹10,000 पेड इन कैश फॉर रिपेयर ऑफ ए न्यूली परचेज्ड ओल्ड मशीन वर डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है वाइल पासिंग ए रेक्टिफाइंग एंट्री। तो रेक्टिफाइंग एंट्री पूछी गई है, तो देखिए रिपेयर्स अकाउंट को आपने क्या करना पड़ेगा, रिपेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले रिपेयर्स अकाउंट क्या कर दिया गया था, डेबिट कर दिया गया था। अभी रिपेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और मशीन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। माई फ्रेंड्स, जब भी कोई सेकेंड हैंड एसेट आप परचेज करते हैं और यूज़ उसको उस सेकेंड हैंड एसेट को यूज़ में लाने से पहले आप उस पर कुछ उसको रिपेयर करवाते हैं, तो जो रिपेयरिंग चार्जेस आते हैं उसको आपको डेबिट करना पड़ता है उसी के एसेट अकाउंट में, ना कि रिपेयर अकाउंट में। अगर गलती से इफ़ बाय मिस्टेक एन एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिट, जो रिपेयर था हमारा इस केस में, तो रिपेयर अकाउंट आपने डेबिट कर दिया था, देन करेक्ट इट बाय क्रेडिटिंग दैट एक्सपेंस अकाउंट। आपको उस एक्सपेंस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी रिपेयर अकाउंट को हमने पहले डेबिट कर दिया तो फिर हमें रिपेयर अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और उस एसेट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। जैसे कि जिस एसेट की बात चल रही थी, यानी मशीन की बात चल रही थी, तो मशीन एसेट है तो मशीन को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइंग, यानी सही एंट्री क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और रिपेयर्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आपसे इस क्वेश्चन में एरर पूछ लेता कि कौन सा एरर है दोस्तों, तो क्या आप बता पाते कि क्या एरर है? देखिए एरर इसमें होता एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल का ये क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रिकनसाइल्स द। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, एक बैंक समाधान विवरण है, और ये किस चीज़ का समाधान करता है, यानी कि जो बैंक बैलेंस होता है कैश बुक में जो कस्टमर बनाता है, बैंक बैलेंस जो होता है कैश बुक में जो कस्टमर बनाता है वो मैच करना चाहिए पासबुक के बैलेंस से। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है वो मैच करना चाहिए पासबुक के बैलेंस के साथ। अगर कुछ डिफरेंस आता है, तो उसका पता लगाने के लिए, उसके रीजंस या उसके कॉजेज पता लगाने के लिए BRS को बनाया जाता है, यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि कौन बनाता है, तो कस्टमर बनाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या था दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक इसका रिकनसाइल करता है या समाधान करता है BRS। क्वेश्चन नंबर 3, टू एंश्योर द डैश इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड मस्ट बी क्रेडिबल वेरीफाइबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज। इंडिपेंडेंट पार्टीज मतलब जो स्वतंत्र पक्ष हैं उनके द्वारा सत्यापित होनी चाहिए, जो उजागर की गई है जानकारी वो प्रामाणिक होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए, और यूज द सेम मेथड ऑफ मीजरिंग, और जो मापना है उसकी एक ही विधि का उपयोग होना चाहिए, ना कि अदल बदल का यूज किया जाना चाहिए, एंड बी न्यूट्रल एंड फेथफुल, और तटस्थ एवं यथार्थ होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है, विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी, ये क्या है, रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड आर कॉल्ड। ऐसे एसेट्स जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट पीरियड के अंदर, शॉर्ट पीरियड होता है 1 साल या 1 साल से कम, ऐसे एसेट्स कहलाते हैं दोस्तों करंट एसेट्स, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू विच अजम्पशन इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर ए फॉरसीएबल पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन। यानी किस धारणा के अनुसार ये माना जाता है कि व्यापार एक पूर्वानुमानित अवधि के लिए जारी रहेगा और बंद करने का कोई इरादा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में जो विनिमय पत्र यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसका हस्तांतरण यानी ट्रांसफर क्या कहा जाता है? तो एंडोर्समेंट कहते हैं इसको, तो इसका राइट आंसर एंडोर्समेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ
स्टेशनरी, माफ कीजिएगा, इफ स्टेशनरी ऑफ रुपीज 100 हैज बीन डेबिटेड ट्वाइस टू स्टेशनरी अकाउंट, दो बार डेबिट कर दिया गया स्टेशनरी अकाउंट में 100 रुपया, एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय। सो एरर कैसे रेक्टिफाई होगा भाई, डेबिट कर दिया गया, दो बार डेबिट किया गया तो एक बार क्रेडिट कर दो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिटिंग स्टेशनरी अकाउंट बाय रुपीज उतने ही अमाउंट से जितने का अमाउंट था स्टेशनरी का, 100 रुपये का अमाउंट था तो 100 रुपये से स्टेशनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ करेंट अर्निंग्स, जो भी करेंट अर्निंग हुई है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट बचा के चलना। क्यों करना, क्यों ऐसा क्यों करना, क्योंकि कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज, लग रहा है कि लॉस हो सकता है भविष्य में, दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज आउट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसमें लग रहा है आपको कि आपका कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, उसके लिए एक प्रोविजन बना के रखा जाता है। तो उस ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रावधान। प्रोविजन को क्या कहते हैं, प्रावधान कहा जाता है हिंदी में। तो प्रावधान चालू आय से अलग रखी गई एक राशि है जिसे उन सभी नुकसानों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक माना जाता है जिनकी दर्ज किए गए लेन देन से उत्पन्न होने की उम्मीद है, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो सकता है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो सकता है इसका एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंश्योर्स सफिशियंट कैश फॉर एसेट रिप्लेसमेंट अंडर, मूल्य ह्रास प्रदान करना डैश के तहत परिसंपत्ति प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन इन्फ्लेशनरी कंडीशन यानी गैर मुद्रा स्फीति कारक स्थिति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट इक्वेशन, बैलेंस शीट इक्वेशन कौन सी है इसमें, यानी एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए, ये आधार है तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि एसेट्स किसके बराबर होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है, परिसंपत्तियां देयताएं प्लस पूंजी के बराबर होता है, हिंदी में इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो टू डिटरमाइन द प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस तो निकालना पड़ता है भाई, हर बिजनेस को चलाने की जरूरी है कि पता करना कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल पोजिशन पता करना भी जरूरी होता है, वित्तीय स्थिति बिजनेस की, फाइनेंशियल एसेट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, पर मिसअप्रोप्रिएट करना बिजनेस एसेट्स का ये तो गलत है, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यानी व्यापारिक परिसंपत्तियों का अनुचित उपयोग करना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, मैंने एक वीडियो बना रखी थी इस पर, तो क्या दो तरह के मेथड बेसिस होते हैं अकाउंटिंग, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कैश से रिलेटेड होते हैं, पैसे से जिसका लेन देन हुआ है, यानी इंटरेस्ट पेड, आपने इंटरेस्ट पेड किया, भुगतान किया गया ब्याज का, तो यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट हुआ इसलिए ये आ गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बकाया है ब्याज, यहाँ पे कैश का कोई लेन देन नहीं है, वर्ष भर का ब्याज है जो अभी भी अनपेड है, इसमें भी कैश का कोई लेन देन नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट उपार्जित ब्याज में भी कैश का कोई लेन देन नहीं है, कैश का लेन देन किस में है, जिसमें इंटरेस्ट पेड है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एज पर द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट विच वन इज करेक्ट, रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवरर को क्रेडिट करते हैं, तीन तरह के अकाउंट होते हैं, कौन कौन से, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। सो पर्सनल का रूल होता है कि रिसीवर डेबिट एंड द गिवरर विल बी द क्रेडिट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज डेबिटेड टू, जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया गया उसके लिए वेजेस पे की जाएंगी, पेड की जाएंगी, तो डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, यानी भवन खाते को आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा माय फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर या ओनर और या पार्टनर, तो ऐसी चीज़ ऐसा अमाउंट को क्या कहते हैं, इसको पूंजी कहा जाता है,
यानी बिजनेस की शुरुआत कैपिटल से ही की जाती है। तो कैपिटल वो अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट किया जाता है एंटरप्राइज या बिजनेस में ओनर या प्रोप्राइटर या पार्टनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, विच डज नॉट होल्ड गुड फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्या है, एक ओरल ऑर्डर है, इट इज एन ओरल ऑर्डर, यह एक मौखिक आदेश है। ये क्या है, इसके विनिमय पत्र के संबंध में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे इट इज एन ओरल ऑर्डर सही होगा, इसके पत्र में ये सही, ये जो विनिमय पत्र है उसके संबंध में ये सही नहीं है। बाकी ये सब है कि इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉइंग स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल और इट इज़ ड्रॉन एंड साइंड बाय द ड्रॉअर ऑफ द बिल। क्वेश्चन नंबर 17, BRS इज मेड टू नो। BRS किस लिए बनाया जाता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ा था अभी पीछे, तो रीजंस जानने के लिए, वो कॉजेज कारण जानने के लिए, जो भी डिफरेंस आया है बैलेंसेज टू बैलेंसेज में, कौन कौन से बैलेंसेज में, जो कैश बुक का बैलेंस है और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आया है, जो अंतर आया है, उसका पता लगाने के लिए BRS को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो क्या एग्जांपल है इंटेंजिबल एसेट का, तो गुडविल एग्जांपल है इंटेंजिबल एसेट का। बाकी ये जो है एसेट्स हैं, ये भी कैश है, करंट एसेट है, लैंड है, वो फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है, पर टेंजिबल होता है, और गुडविल अपना इंटेंजिबल होता है। व्हेन द क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द बिल्स आर डिस्काउंटेड, द डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक आर। जब बिल्स डिस्काउंटेड किए जाते हैं जो, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस जो हैं वो चार्ज्ड बाय द बैंक आर डेबिटेड बाय द ड्रॉअर इन हिज बुक, आहर्ता द्वारा अपनी बहियों में नामे किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इट इज कॉल्ड, यदि कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ बुक्स में, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो इसको क्या कहेंगे, एरर ऑफ ओमिशन कहा जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, यानी मूल्यह्रास एक गैर नकद परिचालन व्यय है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द बिल इज नॉट पेड बाय द ड्रॉई ऑन इट्स ड्यू डेट इज कॉल्ड, सो इसको यदि अदाकर्ता द्वारा बिल का भुगतान देय तिथि पर नहीं किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, बिल का अस्वीकरण, यानी डिसऑनर ऑफ ए बिल। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट एंट्री इन द जर्नल टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस उतारे जाते हैं, ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपनिंग एंट्री। तो पहली एंट्री जर्नल में क्या पास की जाएगी, ओपनिंग एंट्री। क्वेश्चन नंबर 24, ए सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, आपने कुछ माल बेचा राम को, और किस में बेचा, कैश में, तो डेबिट किया जाएगा क्या, कैश अकाउंट, यानी व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी आपके पास आया वो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश आया होगा ना, माल बेचा गया राम को, कैश में बेचा, तो कैश आपके पास आया, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इसमें कौन सा मेथड नहीं है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, तो ये अपना स्ट्रेट लाइन मेथड तो होता है, SLM मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी होता है, पर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ऐसा कोई डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड नहीं होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा। दोस्तों वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि मैं मोटिवेट हूँगा आपके लिए और वीडियोज़ को लेकर आऊँगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 26, द रिवेन्यूज ऑफ ए पीरियड मस्ट बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक पीरियड के रिवेन्यू मैच किए जाएंगे उसी पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ, तो ताकि पता चल सके कि प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सके सही सही फॉर दैट उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए, उस ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, ये मैचिंग प्रिंसिपल इसका सही आंसर हो जाएगा, मिलान करना रिवेन्यूज को एक्सपेंडिचर के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ द लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, पता करना बुक्स की, ठीक है,
तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बुक्स की पता किस स्टेटमेंट के द्वारा की जाती है, तो ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट है जिसके द्वारा पता किया जाता है। अकॉर्डिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू इज कंसिडर टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ए ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रियलाइज किया जाएगा व्हेन ए ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड इनटू, यानी उस सिद्धांत रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसको हिंदी में कहते हैं राजस्व मान्यता, इस सिद्धांत के अनुसार राजस्व को प्राप्त किया माना जाता है जब लेन देन किया जाता है और राशि प्राप्त करने का दायित्व वो ऑब्लिगेशन स्थापित होता है तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट में, जो परचेज बुक का टोटल है वो किस अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा, परचेज अकाउंट में तो पोस्ट करेंगे उसको, तो ये तो आसान था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी और मैं मोटिवेट होऊंगा आपके लिए और वीडियोस को लेकर आऊँगा, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।